हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजन्स जिसमें हमारा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन। अब अभी तक हमने जो भी स्टडी किया है जिसमें हमने ऑटोमोबाइल इंजन्स जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन्स देखे, ठीक है अभी तक, फिर सिंगल सिलेंडर इंजन, मल्टी सिलेंडर इंजन, फोर सिलेंडर, सिक्स सिलेंडर, एट सिलेंडर, वी इंजन्स देखे, ऑपोज सिलेंडर देखे, ऑपोज पिस्टन इंजन्स देखे, ये सब देखे। अब उसमें क्या था कि उसका जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो था, वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर उसमें से फ्रिक्शनल हॉर्स पावर जो था वो कम होके यानी नेग्लिफाई होके या तो माइनस होके हमको BHP दैट मीन्स ब्रेक हॉर्स पावर जो हमको कहाँ मिलता था, तो कि वो जो ब्रेक हॉर्स पावर है हमको क्रैंकशाफ्ट के ऊपर मिलता था। अब एक चीज़ है कि जिस तरीके से क्लोसिस स्टेटमेंट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि टोटल हीट एनर्जी को कभी भी हम वर्क एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट अ टोटल हीट एनर्जी इनटू अ टोटल वर्क एनर्जी। लेकिन एक बात है, जिस तरीके से हमको ये चीज़ पता है कि क्या, तो कि सबसे पहली चीज़ कि हम टोटल तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना फ्रिक्शनल हॉर्स पावर को कम कर दे, और दूसरी बात के इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो हमारा मिल रहा है, दैट मीन्स जो फ्यूल जो सिलेंडर में आ रहा है उसको हम टोटल कम्प्लीटली कम्बस्टिबल बना दें, जिसकी वजह से सिलेंडर के अंदर कोई भी तरह से अनबर्न्ड फ्यूल ना रह जाए। जितना सिलेंडर के अंदर फ्यूल का कम्प्लीट कम्बस्चन हो जाएगा तो एक सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्या, तो के सबसे मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाएगी कि हमको और एफिशिएंट पावर मिलेगा। लेकिन एक सिलेंडर जिसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फिक्स है, तो उसकी हम एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो उसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि जो हमारा इंजन है उसमें जिस तरीके से कोई भी फ्यूल है उसको जलने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, तो कि एयर क्वांटिटी एंड ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, इट इज़ मस्ट बी मोर रिक्वायर्ड ऑफ ऑक्सीजन चार्ज, ये सबसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, टू इग्नाइट फ्यूल। लेकिन अब हमको ये समझना है कि अगर हमको ऑक्सीजन जितना हो सके उतना, बिकॉज हमको पता है कि 2000, 3000, 4000, 5000 साइकल्स पर मिनट, ओके, और RPM रिवॉल्यूशंस पर मिनट, इतने सारे जब रिवॉल्यूशंस होते रहते हैं तो उसके दौरान हमको फ्रेश एयर चार्ज, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर चार्ज, बिकॉज फ्यूल तो आ रहा है सिलेंडर में, ठीक है, लेकिन फ्यूल जो आ रहा है उसको हमको इग्नाइट कराना है कम्प्लीटली, अगर उसको हमको जलाना है तो देट इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी टू स्प्लिट आउट अब कम्प्लीटली अ क्वांटिटी, कम्प्लीट क्वांटिटी ऑफ एयर, इट स्प्लिट आउट इनटू दिस सिलेंडर, यानी कि टोटल जो भी हमारा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर फ्यूल आ रहा है, लेकिन हमारी सबसे एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी जितने भी हाई RPM हो, लेकिन उस दौरान हमको जितना हो सके उतना एयर क्वांटिटी को उसके अंदर जाने देना है। दैट्स वाई एयर के साथ जो ऑक्सीजन जाएगा और वो फ्यूल को क्या कर देगा, इजिली उसको इग्नाइट करेगा, इजिली उसको क्या करेगा, इग्नाइट करेगा। दैट मीन्स यहाँ एक चीज़ होगी कि इग्नाइट होने की वजह से हमको और अच्छा पावर मिलेगा और ज़्यादा इंडिकेटेड हॉर्स पावर मिलेगा। अभी तक हम ऐसा समझ रहे थे कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर को हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अब हमारे पास एक जरिया है, क्या, तो कि एयर सप्लाई जो है उसको हम बढ़ा दें। जो एयर सप्लाई बढ़ेगा, जिस तरीके से हमारी गाड़ी यानी हमारा व्हीकल जब सुबह स्टार्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एयर एंड फ्यूल दोनों सप्लाई बढ़ा देते हैं। जैसे ही एयर एंड फ्यूल सप्लाई बढ़ाते हैं तो एयर क्वांटिटी जितनी ज़्यादा जाती है तो ऑक्सीजन कंटेंट जो फ्यूल को क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, और फ्यूल को बर्न कर देते हैं तो आसानी से हमको जो सिलेंडर के अंदर जो भी फ्यूल है वो आसानी से क्या हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अब हम सुपरचार्जर के बारे में बात करते हैं,
कि अगर एयर क्वांटिटी जो है अगर उसको हमको सिलेंडर के अंदर परफेक्ट टाइम पे और सिलेंडर के अंदर हमको एयर क्वांटिटी को अगर बढ़ाना है एयर क्वांटिटी को, तो हमको एक यूनिट ऐसा है कि जो ये काम कर सकता है जिसका नाम है सुपर चार्जर। और ये सुपर चार्जर जो आज के मॉडर्न व्हीकल्स जितने भी हैं वो सब में यूज़ किए जाते हैं। अब ये सुपर चार्जर है क्या, यहाँ पिक में देख सकते हो सेंट्रल में से एयर अंदर आ रही है लेफ्ट साइड से और ऊपर की तरफ से क्या हो रही है बाहर निकल रही है, ठीक है। यानी कि एक पानी की मोटर जैसा है यहाँ पे कि पानी आ रहा है और ऊपर की तरफ से निकल रहा है। इसी तरह यहाँ क्या है एयर चार्ज जो सेंट्रल में से वैक्यूम हो रहा है और ऊपर की तरफ से क्या हो रहा है दूर हो रहा है। अब इसके बारे में हम समझते हैं सुपर चार्जर क्या है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा था वो सब क्या था, पास्ट था। पास्ट यानी कि पहले का और ओरिजिन ऑफ ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल्स के ऐसे ऐसे पार्ट्स जिसके बगैर इंजन को हम रन नहीं कर सकते। लेकिन अब हम ऐसे पार्ट के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं कि जो पार्ट अगर हम इंजन में डाल दें या तो इंजन के साथ अगर उसको अटैच कर दें अटैचमेंट दे दें तो इंजन का जो पावर आउटपुट है वो आसानी से और आराम से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। सुपर चार्जर क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हो इंजन दिया हुआ है, उससे लेफ्ट साइड आप देखोगे तो बेल्ट ड्राइव दिया है। इंजन से लेफ्ट साइड में क्या है बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव के बाजू में जो आपको दिख रहा है ट्राइंगल जैसा, ये जो है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रेसर, यही है आपका सुपर चार्जर। ये जो सुपर चार्जर है उसमें आप देख सकते हो फ्रेश एयर इनलेट नीचे की तरफ दिखाया हुआ है। ये फ्रेश एयर जो है धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगी। आपने आगे वाली फिगर में भी देखा था कि लाइट वाइट कलर में से कहाँ डार्क ब्लू कलर में जा रहा है, देखा आपने ऊपर, तो उसी तरीके से यहाँ क्या है तो क्या स्काई ब्लू कलर है। धीरे धीरे ऊपर गया प्रेशर बढ़ने की वजह से उसको कौन सा कलर दिया हुआ है तो क्या प्रेशर बढ़ने की वजह से उसको डार्क ब्लू कलर। अब वो जो कॉम्प्रेस्ड एयर है वो कहाँ गए सिलेंडर इनलेट, यानी अब हमारे पास जो सिलेंडर में एयर आई है वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड एयर है और दूसरा हमारे सिलेंडर में जो एयर आई है वो ऑलरेडी थोड़ी सी हाई टेम्परेचर पे, दैट्स वाई देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटिंग ड्यूरिंग द कोल्ड स्टार्टिंग, दैट मीन्स कोल्ड सेशन जो भी होते हैं उसके दौरान हमको स्टार्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। दिस इज़ अ मोस्ट एडवांटेजेबल थिंग इन सुपर चार्जर। अब क्या है आप समझ गए होंगे, और आउटलेट जो दिया है इंजन का वो क्या है हमारा एग्जॉस्ट। यानी अभी तक क्या था कि MTFI सिस्टम वो सब जो भी सिस्टम थी GDI सिस्टम, अब उसके अंदर क्या था तो कि जो सिलेंडर का जो इनलेट है, अब सिलेंडर का जो इनलेट है उसमें क्या था तो कि डायरेक्टली जो इनटेक मैनिफोल्ड है वहाँ से या तो फ्यूल को डायरेक्ट इंजेक्ट कर लेते, लेकिन जो फ्यूल वो तो फ्यूल सप्लाई दिया लेकिन एयर तो क्या है तो कि एयर के लिए क्या है तो कि नॉर्मली एयर फिल्टर दिया हुआ है और जो इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उससे एयर अंदर आ रही है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है एयर को भी पावर के साथ सप्लाई किया जा रहा है, दैट मीन्स फ्यूल तो MTFI GDI वैसे सिस्टम से पेट्रोल में सप्लाई किया जाता है, लेकिन अब यहाँ क्या किया जा रहा है तो कि एयर को भी पावर के साथ दैट मीन्स उसको भी कंप्रेस्ड करके सिलेंडर के अंदर क्या किया जा रहा है एडमिट किया जा रहा है। जैसे ही उसको सिलेंडर के अंदर अब एडमिट किया जा रहा है तो आप देख सकते हो कि अब इंजन के अंदर जो एयर एंड फ्यूल आएगा दोनों क्या होगा, पहले तो एयर जो है वो हाई टेम्परेचर पे रहेगी जिसकी वजह से फ्यूल खुद उसके साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते बनाते आसानी से वो क्या हो जाएगा एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँच जाएगा। और ये जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, लेकिन पेट्रोल इंजन इसलिए क्या है कि उसका कंप्रेशन रेशियो कम होने की वजह से वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले स्पार्क प्लग उसको क्या कर देगा स्पार्क कर देगा। यहाँ आप देख सकते हो सुपर चार्जर की लोकेशन, यहाँ इंजन में ये जो लगाया हुआ है ये पूरा सुपर चार्जर है। यहाँ आप देख सकते हो ये जो मैं येलो कलर का कर रहा हूँ ये पूरा सुपर चार्जर है, ये जो रेड कलर का है ये क्या है तो क्या एयर फिल्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जबकि ये इस साइड इंजन सेगमेंट है जिसको बेल्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऊपर की तरफ है, ठीक है, दो गियर्स बेल्ट के थ्रू, तो हम ये कह सकते हैं ये DOHC है यानी डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो कि DOHC
ठीक है, DOHC 16 वाल्व, 16 वाल्व है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ये पर सिलेंडर 4 वाल्व्स होगा अगर ये 4 सिलेंडर इंजन है। अब ये 4 सिलेंडर इंजन हम कैसे कह सकते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे 4 होल्स है जो स्पार्क प्लग के, तो यहाँ पे DOHC और यहाँ क्या है 16 वाल्व, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है सुपर चार्जर, कि जो सुपर चार्जर यहाँ पे क्या करेगा, तो कि जो एयर हार है ये उसको क्या करेगा सुपीरियर चार्ज कर देगा, और जितना सुपीरियर चार्ज होगा उसके हिसाब से क्या होगा कि वो जो एयर है वो अब जब भी इंटेक मैनिफोल्ड से वो सिलेंडर में जाएगी तो वो पहले से क्या होगी हाई प्रेशराइज और एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे वो पहुंच गई होगी, कि जिसकी बदौलत तो वो फ्यूल को क्या कर पाएगा आसानी से उसको इग्नाइट कर पाएगा, वो आसानी से उसको क्या कर पाएगा इग्नाइट कर पाएगा। यानी अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे किस तरीके की ये सिस्टम है। ठीक है, हम दूसरी कार में देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दूसरी कार जिसमें बेल्ट के थ्रू यहाँ पे सुपर चार्जर को रन किया जा रहा है। अब ये जो सुपर चार्जर रन हो रहा है यहाँ पे, अब दूसरा क्या है यहाँ पे भी ये DOHC है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है उसको पूरा क्या है तो कि बेल्ट कवर के थ्रू उसको कवर किया हुआ है। दैट्स वाई वी कैन नॉट सी द प्रॉपर डायग्राम एंड प्रॉपर इमेज ऑफ दिस सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे जो पहली इमेज थी आप देख सकते यहाँ क्या है तो कि पूरा सिस्टम को ओपन कर दिया है, और ये सिस्टम को ओपन करने से पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके है, तो कि यहाँ पे 1 और 2 ये जो सेगमेंट आप देख रहे हो ये दोनों सेगमेंट है वो कैम शाफ्ट के लिए, DOHC डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट, डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट, ठीक है। यानी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये क्या है DOHC, ठीक है, यानी यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे समझते हैं कि सुपर चार्जर के टाइप्स कौन से होते हैं। तो सुपर चार्जर तो क्या उसके जो टाइप्स है उसमें लेफ्ट साइड जो सबसे पहले दिया हुआ है रूट टाइप, कौन सा है रूट टाइप सुपर चार्जर, दूसरा है स्क्रू सुपर चार्जर जिसपे यहाँ पे लिखा है लेसोम ट्विन स्क्रू सुपर चार्जर, यानी कि ट्विन स्क्रू, यानी कि दो एक स्क्रू जैसे सेगमेंट्स हैं और जिस जो खुद क्या कर रहे हैं तो क्या सुपर चार्जर के तरीके से वर्क कर रहे हैं, और तीसरा जो है वो क्या है सेंट्रीफ्यूगल सुपर चार्जर। अब हम तीनों के बारे में समझते हैं कि रूट ट्रिपल लॉब यानी कि यहाँ फिगर में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या है तो कि दो एक एक्सिस है, एक यहाँ है और एक इस साइड है, और इसके ऊपर 3 लॉब दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये तीनों लॉब क्या है तो कि एक दूसरे के साथ गियर की तरीके से कनेक्टेड है। अब गियर की तरीके से कनेक्टेड है और उसको क्या हेलिकल शेप दिया हुआ है, हेलिकल शेप देने की वजह से यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा, जिसकी वजह से उसके अंदर से एयर जो होगी वो क्या होगी तो कि वो खींच के आएगी और आगे की तरफ उसको ले जाएगी, वो एयर आएगी और उसको आगे की तरफ खींच के क्या हो जाएगी तो कि ले जाएगी। यानी यहाँ आप देख सकते हो आसानी से कि ये जो सिस्टम है जिसमें ऊपर की तरफ से एयर आ रही है, एयर आई अंदर की तरफ जैसे रूट सुपर चार्जर जो है उसके जो लॉब्स है जो यहाँ पे दिखाया हुआ है 60 डिग्री हेलिक्स, यानी 60 डिग्री के गैप में और 60 डिग्री के एंगल पे ये हेलिक्स अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि जो एयर आ रही है वो वहाँ पे कंप्रेस होके बाद में प्रेशराइज होके और पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर वो जैसे प्रेशर बढ़ेगा वो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ने की वजह से ये जो एयर है वो आगे की तरफ हाई टेम्परेचर से आगे की तरफ बढ़ेगी। अब रूट सुपर चार्जर जो हमने आगे यहाँ फिगर में देखा, ठीक है, इसके सबसे मेन चीज़ जिसके बारे में हमको समझना है यहाँ पे लिखा है दे एड मोर वेट टू द व्हीकल, कि सिर्फ ये जो है उसका सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इसका वेट बढ़ जाता है इसकी वजह से, क्योंकि ये जब सिस्टम रन होती है और ये सिस्टम जब अटैच की जाती है तो इंजन का वेट बढ़ जाता है। एंड दे प्रोवाइड एयर इन डायरेक्ट बर्स्ट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग इन स्मूथ एंड कंटिन्यूस मैनर, यानी थोड़ा सा वाइब्रेशन जैसा लगता है और ज़्यादा पावर मिलने की वजह से भी वो इंजन के ऊपर क्या करता है वाइब्रेशन जैसी
इफेक्ट क्रिएट करता है। यहाँ पे ट्विन स्क्रू सुपर चार्जर है। अब ट्विन स्क्रू सुपर चार्जर जिसके बारे में हम समझते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से एयर आ रही है और नीचे की तरफ क्या जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। आप नेट पे भी इसके बारे में पिक सर्च कर सकते हो तो आपको पता चलेगा, जो हमने आगे की तरफ देखा था ये जो फिगर, ये भी ट्विन स्क्रू सुपर चार्जर था यहाँ पे जो लगाया हुआ है, ठीक है। ये जो है वो ट्विन स्क्रू, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो ये एक और ये दूसरी साइड, तो ये ट्विन स्क्रू हुए, ट्विन स्क्रू सुपर चार्जर। तो यहाँ पे क्या है, तो कि यहाँ पे जो लॉब है इसमें आप देख सकते हो एक साइड का जो राइट साइड का जो गुलाबी रंग जैसा है, ठीक है, उसके आप टीथ देखोगे तो आपको पता चलेगा, और जबकि लेफ्ट साइड वाला जो है उसके टीथ देखोगे, दोनों के टीथ के डिज़ाइन जो है वो अलग अलग है, दोनों के टीथ सेम नहीं है, लेकिन वो दोनों के जो टीथ है उसके बीच में अब क्या रहेगी, थोड़ी स्पेस रहेगी, ठीक है ना, हाँ, जिसको बोलते हैं बैकलेस, जिसको क्या कहते हैं बैकलेस। और ये बैकलेस की वजह से, और यहाँ जो बैकलेस दिखाई हुई वो बैकलेस की वजह से क्या होगा, तो कि जो अब एयर ऊपर से आएगी वो नीचे की तरफ जाएगी, तो हाई प्रेशराइज होके आगे बढ़ेगी, यानी कि हाई प्रेशराइज होके कहाँ बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। अब इसमें ही हम देख सकते हैं कि अ ट्विन स्क्रू सुपर चार्जर ऑपरेट्स बाय पुलिंग एयर थ्रू आउट अ पेयर ऑफ मैसिंग लॉब्स दैट रीअसेंबल सेट इन वॉर्म गियर्स। यहाँ पे देख सकते हो आप कि दो अलग अलग तरीके से हेलिक्स है और एक वॉर्म गियर की तरीके से, वॉर्म एंड वॉर्म गियर की तरीके से कनेक्ट है, ठीक है, यानी कि एक कॉनिकल टैपर शेप में है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है सबसे मेन कि ये छोटी सी साइज में भी आसानी से आ सकता है, इसलिए ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है ट्विन स्क्रू सुपर चार्जर को। सेंट्रिफ्यूगल सुपर चार्जर, अब सेंट्रिफ्यूगल सुपर चार्जर क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमने सबसे पहली जो इमेज देखी थी, जो सबसे पहले जो मैंने 4 मिनट जो लेक्चर दिया उसके अंदर आपने जो वहाँ पे इंट्रोडक्टरी में जब जो इमेज थी, वही इमेज यहाँ पे है कि जो बीच में से जो एयर है वो अंदर की तरफ आ रही है और ऊपर की तरफ से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। अब यहाँ क्या है कि जो एयर अंदर की तरफ आ रही है, आप देख सकते हो अंदर की तरफ एक वैनी जैसा टर्बाइन दिया हुआ है, वो वैनी जैसा जो टर्बाइन है जो पानी की मोटर होती है इसमें भी इसी तरीके से होता है, और यहाँ पे जो वैनी टाइप का जो टर्बाइन है उसमें क्या होता है, सेंट्रल में से एयर अंदर इनलेट होती है। जैसे ही एयर अंदर इनलेट होगी कि जैसे जैसे वैनी की साइज़ जो है ऊपर जाते जाते वो कम होती जाती है, आप देख सकते हो यहाँ ब्लेड की साइज़ ऊपर जाते जाते क्या हो रही है, कम हो रही है उसके सेंटर से, तो जैसे जैसे कम होगी तो उसको वहाँ पे फ्री स्पेस मिलेगी, और फ्री स्पेस मिलेगी तो वो वहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, और एग्जॉस्ट यहाँ आप देख सकते हो डिस्चार्ज साइड, जो डिस्चार्ज साइड लिखा हुआ है यानी कि वो एग्जॉस्ट साइड है जहाँ से वो आसानी से क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो सेंट्रिफ्यूगल सुपर चार्जर आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो उसका हब इम्पेलर, यहाँ देख सकते हो कि जहाँ लगाया जाता है वो उसका हब है, और जो घूम रहा है यानी कि जो पंखे की तरह, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे इम्पेलर, वो जो भी है वो वहाँ से क्या करता है, तो कि बाहर की तरफ से एयर को अंदर खींचता है और ऊपर आगे भेजता है। अब यहाँ जो लिखा है कि डिस्चार्ज साइड यानी ऊपर की तरफ जो आगे की तरफ बढ़ रहा है वो कहाँ जाएगा, तो कि इनटेक मैनिफोल्ड में, वो कहाँ जाएगा, इनटेक मैनिफोल्ड में, और इनटेक मैनिफोल्ड में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, सिलेंडर में। लेकिन अब वो जो भी है वो किस तरीके से, तो हाई प्रेशराइज एयर, हाई प्रेशराइज एयर, और सुपर चार्जर किस तरीके से, तो कि उसको किससे ड्राई मिल रही है, क्रैंकशाफ्ट से। उसका मतलब ऐसा है कि क्रैंकशाफ्ट जितनी स्पीड पे घूमेगा उतनी स्पीड पे सुपर चार्जर वर्क करेगा, यानी कि हाई स्पीड जितनी होगी उस तरीके से सुपर चार्जर भी क्या रहेगा, हाई स्पीड पे आएगा, और उस तरीके से जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी उस तरीके से एयर डेंसिटी जो है और एयर का जो प्रेशर है वो भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यानी कि सुपर चार्जर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सुपर चार्जर वर्किंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंजन स्पीड, यानी कि अगर हम इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस दौरान सुपर चार्जर जितना क्रैंकशाफ्ट का आरपीएम है उसके रिलेशन में वर्क कर रहा होगा, और जैसे जैसे क्रैंकशाफ्ट के आरपीएम बढ़ रहे हैं उसी तरीके से सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो भी है, या तो एनी काइंड ऑफ रोटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वो जो सुपर चार्जर है वो भी अपना काम और स्पीडली कर देगा बाय कॉज ऑफ बेल्ट ड्राइव। यानी यहाँ तक आपको सुपर चार्जर के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। सुपर चार्जर के बारे में आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा वो टर्बो चार्जर के ऊपर रहेगा, जिसमें हम टर्बो चार्जर के ऊपर स्टडी करेंगे कि टर्बो चार्जर क्या होता है। बहुत सारी कार्स के पीछे आपने देखा होगा टर्बो चार्ज लिखा होता है या तो टर्बो लिखा होता है, महिंद्रा की भी कार है, ठीक है, उसमें
एक्सयूवी में नीचे लिखा होता है टर्बो लिखा होता है, ठीक है, तो वो क्या है जिसके बारे में हम आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।